माई डियर स्टूडेंट, आई एम राम रतन सर फ्राम एम एस इंटर कॉलेज रानीपुर मऊ। मैं आप लोगों को कक्षा 6, 7, 8 का ग्रामर का पोर्शन एकदम शुरू के बेस से पढ़ाऊंगा। और मैं शुरू करूंगा पहले अल्फाबेट से। देखिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट मीन्स होता है वर्ड माला। ये जो अल्फाबेट होते हैं, इस अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि अल्फाबेट या वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, उन्हीं को अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं। जब आप जान गए कि ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं, उन्हीं को अल्फाबेट या वर्णमाला कहते हैं, तो आगे फिर क्वेश्चन बनेगा, तब ये बताइए अल्फा बेट को कितने भागों में बांटा गया है। जब आप जानते रहेंगे तो इसका आंसर बताएंगे। अल्फा बेट को दो भागों में बांटा गया है। जब वही आप कहेंगे कि अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, तो वही आपसे पूछा जाएगा कौन कौन, तो आप बताएंगे पहला वावेल। वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। दूसरा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है वावेल और कॉन्सोनेंट, जबकि आप जानते हैं कि अल्फाबेट में 26 अक्षर होते हैं। तो यह समस्या आ जाएगी कि इसमें से कितने वावेल होंगे और कितने कॉन्सोनेंट होंगे। तो फिर पहला प्रश्न बनेगा कि वावेल कितने होते हैं। अगर आप जानते रहेंगे तो बताएंगे वावेल पांच होते हैं। वावेल पांच होते हैं। जब ही आप कहेंगे पांच होते हैं, तो वही पूछा जाएगा कौन कौन, तो आप बताएंगे पहला ए, ई, आई, ओ, यू। इस तरह से वावेल पांच हो गए। अब कॉन्सोनेंट का नंबर है, फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब बताइए कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं।
आपको मालूम है कि अल्फाबेट में 26 अक्षर होते, जिसमें से पांच वाविल निकल गया, तो कॉन्सोनेंट कितना, तो कितना बचा? तो 26 में से जब पांच निकलेगा तो कितना बचेगा? 21। तो इसीलिए कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। जब वही आप कहेंगे 21 होते हैं तो वही आपसे पूछा जाएगा कौन कौन, तो वावेल को छोड़कर आप सबको बताएंगे। ए को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार से यहां तक आपको पूर्ण रूप से याद होना चाहिए, तब इसके बाद हम अब इसके आगे अगली वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जो लाल बटन पर सब्सक्राइब करिएगा और बगल में उसको घंटी पर अवश्य प्रेस करिएगा। थैंक।